हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अमेजोन पर सिंगल लिस्टिंग कैसे करते हैं। इससे पहले भी मैंने अमेजोन पे सिंगल लिस्टिंग की वीडियो बना रखी है, बट अभी क्या है कि कुछ अपडेट आए हैं अमेजोन के, जिसके बाद कुछ फीचर्स जो हैं पुराने वाले इससे डिफरेंट हो गए हैं। तो सिंगल लिस्टिंग को कैसे करना है, एक और पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें कवर करता हुआ चलूँगा इस वीडियो में। तो आप अगर इस वीडियो को पूरा वॉच कर लोगे तो आपको नेक्स्ट किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी लिस्टिंग के रिगार्डिंग। सबसे पहले हमने अपना सेलर पैनल लॉगिन कर लिया। पैनल लॉगिन करने के बाद हमें लेफ्ट साइड पे आना है, थ्री डॉट पे। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है कैटलॉग। कैटलॉग में आने के बाद सीधा ऐड ए प्रोडक्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ऐड ए प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन शो होने लगेगा। तो अभी ये पहले इस तरीके से नहीं था, लेकिन अब इस तरीके से आने लग गया। तो आपको यहाँ सिंपल क्या करना है, यहाँ कुछ भी टाइप कर दो XYZ और सबमिट कर दो। जैसे आप करोगे आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा और उसके नीचे आपको लिखा रहेगा कैन नॉट फाइंड योर प्रोडक्ट इन द अमेजोन कैटलॉग। तो यह क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे, हम एक नई लिस्टिंग करने जा रहे थे, हम क्रिएट न्यू लिस्टिंग पर क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू लिस्टिंग पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट में आपको अपना टाइटल लिखना है। टाइटल डाल दिया। टाइटल डालने के बाद आपको नीचे प्रोडक्ट टाइप दिखाएगा। अगर आपका प्रोडक्ट, अब यहाँ से आपको प्रोडक्ट की कैटेगरी चूज करनी है, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी सही आ रहा है तो आप इसे रहने दीजिए, अदरवाइज सिलेक्ट ऑर्डर पे करके आप अपनी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। कैटेगरी चूज़ करने के बाद जैसे मेरी कैटेगरी तो सेम है तो मैं इसे कंफर्म कर दूंगा, कंफर्म पे क्लिक करूंगा। कंफर्म में क्लिक करने के साथ ही ये सारा ये पेज मेरे सामने ओपन हो जाएगा। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखोगे एट्रीब्यूट्स का एक ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन शो हो रहा है आपको। यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको शो हो रहे होंगे, रिक्वायर्ड, रिकमेंडेड एंड ऑल एट्रीब्यूट्स। तो लिस्टिंग आप ऑल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि लिस्टिंग करते समय ना आपको सभी छोटी से छोटी डिटेल्स अगर आप फुलफिल करके चलोगे तो उससे क्या होता है, आपकी लिस्टिंग को विजिबिलिटी हाई हो जाती है या विजिबिलिटी के चांसेस थोड़े से हाई हो जाते हैं। तो इसलिए आप सारी डिटेल्स लिस्टिंग में कवर करते हुए चलो। सबसे सिंपल है कि लिस्टिंग में बेशक से 2 घंटा लगा दो, पर उसकी डिटेल्स को ना प्रॉपर मेंशन करते चलो। इससे बेनिफिट होता है कि कस्टमर जब भी आपकी लिस्टिंग को देखेगा, आपका प्रोडक्ट देखेगा, तो उसे एवरीथिंग सब कुछ उसे उस अमेजोन पर शो कर जाएगा। और अमेजोन का एल्गोरिदम भी यही करता है, कहता है कि आप लिस्टिंग की ना हर छोटी से छोटी डिटेल्स को कवर करते हुए चलो। तो सिंपल ऑल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक कर लिया। अब देखिए वेरिएशन तो हम नहीं बना रहे, हम सिंगल लिस्टिंग कर रहे हैं, तो हमें सीधा अपना ब्रांड नेम पे आना है। यहाँ पे अगर आपने ब्रांड अप्रूवल ले रखा है तो आपको आपका ब्रांड शो होगा, अदरवाइज आप जेनरिक पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मेरा ब्रांड नेम है तो मैंने ब्रांड नेम शो कर दिया। ठीक है, सेकंड उसके नीचे आइए प्रोडक्ट आईडी। ये मेरे पास नहीं है तो मैं इसे टिक कर दूंगा, आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट आईडी। इस पर क्लिक करते ही मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही मेरे सामने सारे ऊपर देखिए डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिटेल्स, ऑफर एंड सेफ्टी एंड कंप्लायंस, ये सारे का सारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब हमें स्टेप बाय स्टेप इन सभी चीज़ों को फुलफिल करना है। तो पहले डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डालना है और बुलेट पॉइंट्स और इमेजेस डालने हैं। तो डिस्क्रिप्शन आप कैसे अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन अच्छी सी बना सकते हैं, उसकी एक प्रॉपर वीडियो मैंने बना के अपने चैनल पर डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट के लिए डिस्क्रिप्शन कैसे बनाएं और उनके लिए बुलेट पॉइंट कैसे क्रिएट करें। तो यहां डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूं, आप एटलीस्ट कम से कम यहाँ पे 5 बुलेट पॉइंट जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, देखिए मैंने एक ऐड कर दिया, एक के बाद दूसरा ऐड करने के लिए मुझे ऐड मोर पे क्लिक करना है और यहाँ पे दूसरा बुलेट पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसी तरीके से आपको 4 या 5 बुलेट पॉइंट फुलफिल करने ही करने हैं। ये देखिए ये मैंने इमेजेस अपडेट कर दी। अब इमेजेस अपडेट करने के बाद डिस्क्रिप्शन का भी कॉलम फुलफिल हो गया। अब आना है हमें प्रोडक्ट डिटेल्स में। प्रोडक्ट डिटेल्स में आएंगे, प्रोडक्ट डिटेल्स में जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये इस तरीके का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें फुलफिल करनी है। जैसे पहला सर्च टर्म, ये अभी मैंडेटरी नहीं है कि आप इसे फुलफिल करो, बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसको फुलफिल करना, क्योंकि अमेजोन पे जो सर्चिंग कीवर्ड्स होते हैं ना वो आपको यहाँ पे मेंशन करने पड़ते हैं। जब भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट फाइंड करता है तो जो कीवर्ड्स आप यहाँ सर्च टर्म में मेंशन करके रखोगे उसी के अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी
शो करती है कस्टमर को। तो यहाँ पे आप सर्च टर्म में आप डाल दीजिए कीवर्ड्स, मैं भी अपने कीवर्ड्स यहाँ मेंशन कर देता हूँ। सारे कीवर्ड मेंशन कर दिया, मॉडल नंबर, मॉडल नंबर में आप कुछ भी लिख सकते हो, या आपको जो अच्छा लगता है आप वो डाल दो, या जो भी आपके प्रोडक्ट का मॉडल नंबर है वो डाल दो। आइटम ऑफ नंबर एक, यूनिट एक, यूनिट काउंट टाइप, काउंट टाइप में सिर्फ काउंट ही आएगा, तो आप काउंट मेंशन कर दो। ये भी, ये जितनी भी डिटेल्स है ना, ये आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही शो करेंगी। तो अगर आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर जानकारी है तो ठीक है, अदरवाइज आपको मैंने एक जो एक वीडियो के बारे में बताया, आप वहाँ से जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में भी अच्छे से हर एक चीज़ को कवर कर सकते हो, या गूगल से भी फाइंड आउट कर सकते हो। असेंबल रिक्वायर्ड, नो, नंबर ऑफ पीस वन, इंक्लूड बीन बैग, ये जितनी भी चीज़ें मैं फुलफिल कर देता हूँ अपने एंड से, जो जो मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड है। उसके बाद एक ये सेक्शन आता है प्रोडक्ट डिटेल्स में ना, एक ये सेक्शन आता है आइटम, आइटम डायमेंशन एंड पैकेज डायमेंशन। अब आइटम डायमेंशन में ये डालना है कि आपका प्रोडक्ट जो है एक्चुअल में उसकी डायमेंशन क्या है, वो आपको मेजर करके डालनी है। और उससे भी इम्पोर्टेंट होता है पैकेजिंग डायमेंशन। जब आपका प्रोडक्ट पैक करोगे, जब भी आप अपना प्रोडक्ट पैक करोगे, तो उसे पैक करने के बाद उसकी जो डायमेंशन होती है, वो आपको डायमेंशन यहाँ पर मेंशन करनी पड़ती है। अभी आइटम डायमेंशन मैं अपना फुलफिल कर देता हूँ, 48, 15, ठीक है। हाइट है मेरी होगी या 3 सेंटीमीटर, लेंथ इसकी 15, विड्थ इसका 15 सेंटीमीटर। जो वेट होगा इसका होगा अराउंड 250 ग्राम, ठीक है। तो आपका जो पैकेजिंग, पैकेज डायमेंशन है ना, इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से और मेज़र करके डालना है, अदरवाइज आप पे इसकी पेनल्टी अमेजोन लगाएगी बाद में। अगर उन्हें डायमेंशन में आप कुछ मिसमैच मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको पेनल्टी भी लगाएगी, क्योंकि जो शिपिंग होती है वो इस पर ही डिपेंड करती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें फुलफिल कर ली मुझे मैंने, या और भी जो से रिलेट, ये सारे जो भी चीज़ और ये सारे जो भी ऑप्शन शो हो रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको पता है तो आप मेंशन कीजिए, अदरवाइज इसे स्किप कर दीजिए, जाने दीजिए। ये कॉलम मेरा फुलफिल हो चुका है। उसके बाद आइए ऑफर के सेक्शन में। ऑफर के सेक्शन में आएंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा सेलर SKU। तो आपको SKU पता ही होगा, SKU कैसे रखना है आपको। आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड SKU मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आएगा प्रोडक्ट टैक्स कोड, आपका प्रोडक्ट कितने परसेंट, कौन से टैक्स कोड में आता है, या कितना परसेंट उस पर चार्जेस लगता है, वो आप गूगल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी अमेजोन के कस्टमर केयर से भी कॉल करके आप पूछ कर सकते हैं, या फिर आपको खुद भी पता होगा कि आपका प्रोडक्ट कितने परसेंटेज का है। यहाँ अपना प्राइस डाल देते हैं, लिस्टिंग प्राइस आप डाल दीजिए, क्वांटिटी, कंडीशन न्यू ही रखनी है, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी। आपका ऑर्डर, एक कस्टमर कितने मैक्सिमम ऑर्डर कर सकता है, मान लीजिए किसी कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट को 50 ऑर्डर कर दिए, तो आप 50 ऑर्डर एक साथ भेज सकते हो या नहीं भेज सकते हो, ये ज़रूर ध्यान रख लेना कि एक लेवल पे आप कितने ऑर्डर मैक्सिमम भेज सकते हो। पैकिंग आपकी कैसी है ये आपको डिपेंड करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ डालना है। मैं यहाँ डाल रहा हूँ एक, मैं एक ही प्रोडक्ट एक ही बार में भेज सकता हूँ। हैंडलिंग टाइम 1 मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे, क्योंकि हैंडलिंग टाइम जितना आप कम रखोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलता है इसका, क्योंकि जितनी फास्ट शिपिंग होगी उतना ही हाई विजिबिलिटी आपकी लिस्टिंग को मिलेगी। स्क्रॉल करके नीचे आइए, कंट्री में इंडिया,
एसएसएन कोड आपको आपके प्रोडक्ट पता होगा, अदरवाइज आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इसके बाद सेफ्टी, देखिए ऑफर का भी कॉलम पूरा हो गया। सेफ्टी एंड कंप्लाइंस में आइए, इसमें कुछ नहीं फुलफिल करना है अगर, क्योंकि आपका प्रोडक्ट अगर बैटरी से रिलेटेड है तो ही आपको ये फुलफिल करना है, अदरवाइज नहीं करना है। मैन्युफैक्चर में आप डिटेल, मैन्युफैक्चर डिटेल डाल दीजिए आप। ये डिटेल्स फुलफिल करते ही देखिए ऊपर जो जो भी रेड रेड मार्क आ रहा था सारा हट गया। अब नीचे ऑप्शन आ गया सबमिट का, आप सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपको ये मैसेज शो होगा, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर लिस्टिंग, इफ अप्रूव चेंज विल बी रिफ्लेक्टेड विद इन 24 आवर। 24 आवर का टाइम देती है अमेजोन, बट आपकी जो लिस्टिंग है 10 से 15 मिनट के अंदर लाइव हो जाएगी अमेजोन पे, और ये अमेजोन के पोर्टल पे दिखने लगेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं यहाँ पे आप ऑनलाइन से रिलेटेड आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ।